हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त शेप्समिता और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ सीजनल मैंगो केक। टी टाइम केक है, बच्चों के लिए स्पेशल आज हम लोग बना रहे यहाँ पे मैंगो केक। तो ये केक आपका ऐसे बनेगा। अगर आपको ये मैंगो केक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ हमें लेना है आधा कप ऑयल, आधा कप मैंने दही लिया है, 3/4 कप मैंने पाउडर शुगर लिया है, आधा कप मैंने यूज़ किया है मैंगो प्यूरी, 1/2 टीस्पून यूज़ किया है सोडा, 1 टीस्पून मैंने यूज़ किया है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, 1 कप + 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा यूज़ किया है मैदा, आधा कप यूज़ किया है मिल्क और यहाँ पे पैन मैंने यूज़ किया है 6 इंची। तो ये सारी सामग्री हमें लगेगी टी टाइम मैंगो केक करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम लोग आधा कप दही। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिया है, दही को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। खट्टा दही यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल दही मैंने यूज़ किया है। दही के अंदर ही हम लोग ऐड करेंगे पाउडर शुगर, तो मैं दही के अंदर ही ऐड कर रही हूँ पाउडर शुगर, होममेड पाउडर शुगर है। शुगर को मिक्सर में डाला था मैंने और यहाँ पे इसे मैंने पाउडर किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही है और पाउडर शुगर है। इसके बाद रिफाइंड ऑयल, आधा कप यूज किया है रिफाइंड ऑयल, इसे भी इसी के ही अंदर मैंने मिक्स किया है। सारी चीजों को फिर से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा फेंटेंगे। मेरे पास यहाँ पे लिक्विड कलर नहीं है, यही रीजन है मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पाउडर कलर, लेकिन आप इसके अंदर लिक्विड कलर यूज करना। मैंने यहाँ पे ज्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून इतना ही ऐड किया है इसके अंदर कलर। मेरे पास घर पे लिक्विड कलर नहीं है, यही रीजन मैंने इसके अंदर पाउडर कलर यूज किया है। सारी ड्राई चीजों को मिक्स करते हैं। मैंने 1 कप यहाँ पे यूज किया है मैदा, 1 कप मैदा प्लस 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा मैदा मैंने यूज किया है। मैदे को हमें छान के ही यूज करना है। मैंने 1 कप में से आधा कप इतना मैदा डाल दिया है। पहले ये वाले मैदे को हम लोग अच्छे से मिक्सिंग करके लेते हैं। सारा मैदा एक साथ मत डालना, कभी कभी लम्स हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। ये पहला मैदा मैंने ऐड कर दिया है, बचे हुए मैदे को भी। साथ साथ मैंने यूज किया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून यूज किया है खाने का सोडा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून है खाने का सोडा, इसे भी मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया है। सारी चीजों को धीरे धीरे मिक्स करेंगे। यहाँ पे अभी डालेंगे मैंगो प्यूरी। मैंने मैंगो प्यूरी को नहीं गिना था, तो एक बार मैं इसे कप में देखती हूँ। हमें यूज करना है आधा कप, तो आधा कप इतनी मैंगो प्यूरी लेती हूँ मैं। यस, परफेक्ट। मैंगो प्यूरी के अंदर शुगर नहीं ऐड किया है, तो ये ऐड करती हूँ मैंगो प्यूरी इसके अंदर आधा कप।
और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ। बस मिक्सिंग कर रही हूँ, एकदम आराम से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर दूध नहीं डाला हुआ है, अभी ऐड करेंगे इसके अंदर हम लोग मिल्क, आधा कप से लेके 1/4 कप। तो मिल्क जब भी आप डालोगे थोड़ा सा चेक करके डालना। मैंने यहाँ पे 1/4 कप इतना ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इतना सफिशेंट है मेरे लिए। और इसे फिर से मैं मिक्स कर, तो यहाँ पे ये बैटर मेरा ऐसे बनेगा, ये फ्लोई है, बस परफेक्ट। अभी क्या करेंगे, 6 इंची टीन ग्रीसिंग किया है, टीन के अंदर इसे मैं शिफ्ट करती हूँ। ये पूरा मैंने ऐसे बैटर को इसके अंदर डाल दिया है, 6 इंची टीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ टैप नहीं करना है, तो इसे मैं टैप नहीं कर रही हूँ, बस इसे हल्का सा ऐसे स्प्रेड कर दो, केक आपका डोम में नहीं आएगा। और टूटी फूटी ऑप्शनल है, नहीं पसंद है नहीं डालोगे तो भी चलेगा, मेरे पास टूटी फूटी है तो थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देती हूँ, अच्छा दिखेगा कलर में। टूटी फूटी में थोड़ा सा मैंने मैदा लगाया था, आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा केक रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने कुकर को प्रीहीट करने रख दिया था, तो कुकर मेरा प्रीहीट हुआ है, प्रीहीट कुकर के अंदर इसे मैंने छोड़ दिया है आराम से। इसे बेक करने के लिए कम से कम हमें लगेगी आधे घंटा, तो आधा घंटा मैंने रखा है। आधा घंटा मैंने देखो यहाँ पे गैस को एकदम स्लो पे रखा है, तो यहाँ पे हमें केक बेक करने के लिए कम से कम आधा घंटा रखेगा। इसे आपको ढक के रखना है और आधे घंटे तक इसे बिल्कुल भी आपको छेड़ना नहीं है। यहाँ पे हमारा ये केक रेडी हुआ है, मैंने इसे 10 मिनट तक ठंडा किया है, ये अच्छे से ठंडा हुआ है लेकिन अभी भी गर्म है, तो इसे मैं डीमोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे ये डीमोल्ड हुआ है, आप जैसे देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है। और इसे मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। हमेशा ये टिप याद रखना, केक को कभी भी गरम गरम कट नहीं करना है, कम्प्लीटली आधा घंटा ठंडा होने के बाद ही कट करना है। ये आपको दिखाना था इसीलिए मैंने इसे कट किया है। तो यहाँ पे ये बना है मेरा मैंगो केक, आप जैसे देख सकते हो कितना स्पॉन्जी है, ये ऐसे ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है। तो यहाँ पे रेडी हुआ है मेरा मैंगो केक।